सो वेलकम गाइस, सुबह के तकरीबन 6 बजे, काफ़ी जल्दी आज वाइफ ने उठा दिए, बोले सरप्राइज़ है। हम भी उठ गए, चाय पी और उठ गए। एसी हमारा रात से बंद है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। सो लेट्स सी सरप्राइज़ क्या है, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके सो गाइस, फाइनली सरप्राइज़ का पता चल गया है। सरप्राइज़ ये है कि उनको बस स्टैंड ड्रॉप करना है। सो गाइस चलते हैं बस स्टैंड ड्रॉप करने के लिए। सो सुबह के 6:30 बजे वाइफ को आ जाना है पटियाला। सो अभी इसको बस स्टैंड ड्रॉप करने जाएंगे। प्लान किया था 2-व्हीलर से, बट बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है रात से ही। सराउंडिंग में आप देख सकते हो, बारिश के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। सो अभी प्लान किया गाइड गाड़ी से ड्रॉप करेंगे। बारिश के बाद आप देख सकते हो सराउंडिंग का व्यू। सो नीचे भी आपको दिखाता हूँ घर के बाहर कितना पानी भरा हुआ है रात की बारिश से। सो नीचे देख सकते हैं आप, बारिश के बाद काफ़ी पानी भरा हुआ है। गाइस बाहर है गाड़ी, गाड़ी से वाइफ को ड्रॉप करेंगे। और सामने घर के गुरुद्वारा साहब भी है, लोकेशन अच्छी है हमारे यहाँ की। सो ग्रीनरी काफ़ी है हमारे घर के सराउंडिंग ना। सो गाइस अब निकालेंगे गाड़ी और वाइफ को करेंगे ड्रॉप बस स्टैंड। सो गाइस फाइनली आ गए हम बाहर बस स्टैंड जाने के लिए, गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी हमने पहले ही बाहर निकाल ली थी। सो गाइस फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं बस स्टैंड जाने के लिए। बारिश अभी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है बाहर। सो यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता है बस स्टैंड का हमारे घर से। सिटी से आ जाओ, हमारे घर की लोकेशन है थोड़ी आउटर है। अगर बस स्टैंड से देखें तो नियर बाय 7-8 किलोमीटर है, बट ये एक लोकेशन काफ़ी पीस एंड काफ़ी अच्छी है। सिटी की शोर शराबे और पोल्यूशन से फ्री है। हमने ट्राई किया है कि घर के आसपास देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन की हुई है। सो ग्रीनरी काफ़ी है। सो गाइस अब निकल रहे हैं हम बस स्टैंड के लिए। सो गाइस घर से हम निकल गए थे और रास्ते में देखिए कितना ज़्यादा पानी है, गाड़ी भी निकालनी काफ़ी मुश्किल हो रही है। पूरी रात से बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है देख सकते हो। आई थिंक प्री मानसून की बारिश है ये, मानसून तो अभी आएगा। सामने देखिए गाइस, 2-व्हीलर को काफ़ी परेशानी हो रही है इस वेदर में जाने के लिए। देखो पानी कैसे भरा हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है रोड के। पूरी रात से बारिश हो रही है। वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, वैसे 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इससे राहत मिली है थोड़ी। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we
सकते हो गाइस कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड के पास, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे वाइफ को। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, यहाँ पे वाइफ को ड्रॉप करना है। सामने बस स्टैंड देख सकते हैं आप, वाइफ ने आज जाना है पटियाला किसी ऑफिशियल काम के लिए। बारिश सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हमने सोचा गाड़ी से ड्रॉप करते हैं। पहले प्लान किया था टू व्हीलर का, बट अब गाड़ी से ड्रॉप करना पड़ेगा, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं बाहर कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। फाइनली वापस आ चुके हैं घर को, टर्न कर रहे हैं घर की तरफ। देख सकते हो कितना पानी भर रहा है, पूरी रात से बारिश हो रही है. तो फाइनली पहुंच चुके घर, जाके अंदर देखते हैं। अर्श सो रहे हैं अभी, क्या उठ गए? गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, तो देख रहे हो पानी को क्रॉस करके अंदर जाना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी है रात की बारिश का। सो अंदर जाके देखते हैं छूट गया के जा रहे हैं। सो देख सकते हो जैसे हमारा टाइस वाली भी सो रहा है, टाइस हमारा अभी भी सो रहा है। हर्ष भी अभी सो रहा है और ये हमारे छोटे मोटे बच्चे भी जाग रहे हैं, ये सुबह 6 बजे उठ गए थे। सो दैट्स इट गाइस, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।